पावर ऑफ द टेस्ट में हमने बात की है कि पावर का मतलब है कि जब हम कोई इफेक्ट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको एक्यूरेटली डिटेक्ट करें यानी प्रॉबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथिस वेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स यानी सही डिसीजन करना और अगर इफेक्ट एग्जिस्ट करता है हमारे रिसर्च के अंदर तो हम उसको एक्यूरेटली और सही तरह से डिटेक्ट कर सकें लेट्स रिकैप्चर वट वी डिड इन लास्ट मॉड्यूल सो पावर इज टू डिटेक्ट द इफेक्ट वेन इट इज़ एक्चुअली देयर पावर इज टू अवॉइड लोअर द प्रोबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप टू एर हमने बात की है कि बीटा इज एक्चुअली इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप टू एरर और हम उसको कम से कम करते हैं क्योंकि रिड्यूसिंग दैट विल इंक्रीज द पावर ऑफ द टेस्ट बीटा इज द प्रोबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर एंड देन बीटा इज इक्वल टू प्रपोर्शन ऑफ आल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन दैट फॉल्स बिलो द क्रिटिकल वैल्यू और ये हमने पिछले मॉड्यूल में जो मैंने आपको फिगर दिखाई और उसमें हमने एक नल हाइपोथेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और दूसरा हमने अपने रिसर्च हाइपोथेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया इन द ओवरलैपिंग एरिया फॉर नल हाइपोथेसिस एंड द ओवरलैपिंग एरिया फॉर द अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारा डार्क ब्लू कलर का था दैट इज़ एक्चुअली बीटा यानी देयर इज अ स्मॉल चांस और द प्रोबेबिलिटी कि हमारा एक्चुअली नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लें और उस प्रॉबिलिटी को हम कहते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर और उसको बीटा से भी हम बात करते हैं क्या फैक्टर्स हैं जो कि पावर ऑफ द टेस्ट को इफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले है साम्प साइज़ सैम्पल साइज याद रखें कि वैसे भी ओवरऑल uh, एक रूल ऑफ थम है स्टार्ट के अंदर कि हम सैम्पल साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं हम मोर वेरेबिलिटी इन द डेटा लाते हैं और हम लीड टू एक्यूरेट डिसीजन करते हैं चाहे वो एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन परामीटर हो या फिर हमारी टेस्टिंग हाइपोथिस हो इंक्रीजिंग सांपर साइज इज़ ऑलवेज गुड एंड वी ऑलवेज लीड टू मेकिंग ट्रू इन्फ्रेंस राइट डिसीजन और अ कंक्लूजन अगर आपने और जानना था कैसे सांपर uh, साइज जो है वो इफेक्ट करता है तो मोस्टली देखें अगर जब हमारा सांपा साइज जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा फ्लैट होता है ना ये हमारा नल हाइपोथसिस का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हमारा सांपा साइज अगर बड़ा है तो ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथसिस का डिस्ट्रीब्यूशन है हमने बताया था कि जितना एरिया इसमें आएगा वो हमारा बेसिकली बीटा सो दिस एरिया इज़ बीटा विच इज़ टाइप टू एरर कमिट करने की प्रॉबर्टी और ये जितना ज़्यादा होगा पावर उतनी कम होगी सो so, इसको कम करने के लिए अगर हम सैंपल साइज ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा नॉर्मल और ज़्यादा टाइट और वो आ, बनेगा जैसा अगर मेरा फ़र्ज करें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन साइज़ एन साइज़ ज़्यादा कर दिया है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सॉरी इस को लेट मी ड्रॉज नॉट मच स्पेस देयर सो दिस इज द नल हाई पोथिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन आई हैव ड्रॉ अ लार्जर साम्पल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन विल भी लाइक नॉर्मल एंड देन द एरिया वेयर वी हैव लाइक अ क्रिटिकल वैल्यू दिस एरिया इज कैंड कम हो जाता है वो तो बीटा हमारा कम हो जाता है टाइप टू एर कमिट करने की प्रॉबर्टी कम हो जाती है इसलिए हम उसको कहते हैं कि अगर हम सैंपल साइज़ बढ़ा देंगे तो ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ज़्यादा स्ट्रिक्टेड आएगा तो उससे भी हम काम कर सकते हैं सेकेंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है पावर ऑफ द टेस्ट को दैट इज़ एल्फ़ा लेवल अगर पावर है कि प्रॉबिबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल नालपोथिस वेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स तो अगर हम एल्फ़ा लेवल ही बढ़ा दें तो फिर प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी रिजेक्ट करने की और जब रिजेक्ट करने की प्रॉबीबिलिटी बढ़ गई तो इसका मतलब है कि पावर भी हमारी इंक्रीज हो गई जैसे अगर ये फाइव परसेंट हमने कर दिया है तो इसका मतलब है कि फाइव परसेंट चांसेज़ हैं कि हम नल हाइपोथिस को रिजेक्ट कर देंगे नाइन्टी फाइव परसेंट हमने एक्सेप्टेंस रखा है और अगर हमने इस एरिया को कम कर दिया वन परसेंट पर तो उसका मतलब है कि रिजेक्ट करने की प्रॉब्लिटी भी आपने वन परसेंट रखी है क्योंकि नाइन्टी नाइन परसेंट आपने एक्सेप्टेंस रीजन रखा है सो so जब हम एल्फ़ा लेवल बढ़ा देंगे तो इसका मतलब है कि इसमें फॉल करने की प्रॉबीबलिटी भी बढ़ जाएगी तो जब इसमें फॉल करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है पावर भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी कि आपने हाइपोथेसिस uh, को रिजेक्ट किया लेकिन इसका uh, जो पे ऑफ़ है वो ये है कि ये बड़ी ही ट्रेड ऑफ़ है क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया अल्फा, यानी आपने uh, उसको टाइप uh, रिजेक्ट uh, करने की प्रॉबलिटी ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने uh, अगर आप टाइप वन को एरर uh, को कमिट करने के चांसेस कम करते हैं तो आप अदर वे टाइप टू को कमिट करने के चांसेस ज़्यादा कर देते हैं जैसे ये देखें ये हमारा एक्सेप्टेंस है तो इसका मतलब नाइन्टी नाइन परसेंट अगर एरिया है तो यहाँ पे टाइप टू के चांसेस ज़्यादा हैं और अगर ये फाइव परसेंट एरिया यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पर टाइप वन के चांसेस ज़्यादा हैं सो दिस इज़ वन थिंग लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं कि अगर हम एल्फा पॉइंट जीरो फाइव पर रख लें तो इट्स अ काइंड ऑफ गुड टाफ़ एंड कैन पे ऑफ टू द पावर ऑफ द टेस्ट एंड देन फाइनली तीसरा जो है तरीका कि हम उसको वन टेल टेस्ट कर दें क्यों जब हम टू टेल टेस्ट करते हैं तो हम दोनों तरफ में टू पॉइंट फाइव परसेंट छोड़ देते हैं तो बीच में अगर नाइन्टी फाइव परसेंट है तो हमारा टू पॉइंट फाइव एरिया इधर आ जाता है और टू पॉइंट फाइव परसेंट एरिया ही हमारा इधर चला जाता है तो टेकिंग वन टेल टेस्ट मीन्स यू आर पाइलिंग ऑल द एरिया ऑन द वन साइड विच इज़ फाइव परसेंट सो इंक्रीजिंग दिस एरिया मीन्स इंक्रीजिंग द प्रॉबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टिंग द नाल हाइपोथिस And in the power of the test, we want that we reject an null hypothesis when it is actually false. So this is how we can um, increase or the power of the test or the factors that can affect the power of the test.